Hi guys, how are you? Welcome to my YouTube channel. आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री 12th की केमिस्ट्री का पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ाने जा रही हूँ. और CBSE में जो ग्रुप 15 था वो आप लोगों को पता होगा कि उसको हटा दिया गया है, तो अब सिर्फ आप लोगों को 3 ग्रुप्स ही पढ़ने हैं, ग्रुप 16, 17 एंड 18. तो आज हम लोग ग्रुप 16 की स्टडी करेंगे. तो ग्रुप 16 में जो भी एलिमेंट्स हैं वो आप लोग को अच्छे से पता है. ऑक्सीजन फैमिली है, इसको हम लोग चैल्कोजन भी बोलते हैं, और इसमें ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरेडियम एंड पोलोनियम ये एलिमेंट हैं. तो इन एलिमेंट की स्टडी हम लोगों को करनी है. जो लास्ट के एलिमेंट हैं वो सारे के सारे आप लोग को पता होना चाहिए कि रेडियो एक्टिव है, तो उसकी केमिस्ट्री की स्टडी तो हुई नहीं है. तो हम लोगों को ऑक्सीजन से लेकर जो पोलोनियम है उसको छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट की स्टडी करनी है, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की. तो लेट्स वी स्टार्ट पी ब्लॉक एलिमेंट. तो ये हैं ग्रुप 16 के एलिमेंट्स, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरिडियम एंड पोलोनियम. और मैंने बताया कि लास्ट का जो एलिमेंट होता है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, और ये आर्टिफिशियली फॉर्म्ड होते हैं. और जो पोलोनियम है उसको किसने डिस्कवर किया था? मैडम क्यूरी ने. और यहाँ मैंने इसका कन्फिग्रेशन बना दिया है, तो वो आप जल्दी से इसको नोट कर लो. और आप लोग ने पीरियोडिसिटी में पढ़ा होगा, जो पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, कि जो भी एलिमेंट्स ग्रुप के, एक ही ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उन सब की प्रॉपर्टीज अप्रॉक्सीमेटली सेम होती है, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी. तो उसका रीज़न यही होता है कि सभी का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है लास्ट सेल का वो सेम होता है, सिर्फ जो शेल नंबर है वो वैरी कर रहा है कन्फिग्रेशन. इसका जनरल जो हम कन्फिग्रेशन अगर हम देखें तो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स का आता है NS2 NP. तो इसकी वजह से ही इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है? सेम हो जाती है. ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे की इसकी प्रॉपर्टीज बताती हूँ. तो ये है पी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी. और इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे हो, 16 ग्रुप एलिमेंट कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट. तो ग्रुप 16 के जितने भी एलिमेंट से लेकर पोलोनियम तक इन सभी के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन. मतलब ये इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि ये बैलेंस शेल होता है आउटर मोस्ट शेल. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम इसकी देखें तो दे आर नेम्ड एज चैल्कोजेन. तो ये सब बोर्ड में पूछा जाता है कि इन्हें क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं इसको? चैल्कोजेन बोलते हैं. चैल्कोजेन का मीन क्या होता है? ओर फॉर्म. तो जितने भी ओर्स होते हैं वो कंबाइंड स्टेट में जो मैटर होता है इन्हीं फैमिली, जो हमारी ग्रुप 16 की फैमिली के मेंबर्स हैं उनके साथ ही कंबाइंड फॉर्म में मिलता है, इसलिए इस ग्रुप का नेम चैल्कोजेन रखा है. और इसके अलावा इसको ऑक्सीजन फैमिली भी बोलते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट है ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट इन द अर्थ ड्राई एयर, कंटेन 20.946% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम. तो ये थोड़ा सा हम लोग को रिमेंबर कर लेना है. एंड नाउ सल्फर फाउंड इन अर्थ डस्ट ओनली 0.1%. और इसके बाद इट एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म एज सल्फेट. तो जो सल्फर है वो कंबाइंड फॉर्म में सल्फेट के फॉर्म में मिलेगा, लाइक दिस जिप्सम इज अ सॉल्ट है, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट ट्वाइस एच टू ओ, एंड एप्सम सॉल्ट इज अ MgSO4 7H2O हाइड्रेटेड सॉल्ट है ये. एंड पेराइट इसको हम बोलते हैं बेरियम सल्फेट BSO4. एंड कंबाइंड फॉर्म है सल्फाइड. सल्फाइड के फॉर्म में ये कैसे मिल रहा है सल्फर? तो गैलेना के सपोर्ट्स हैं, लेड का और में ये PbS, एंड नाउ जिंक ब्लैंड ZnS, एंड कॉपर पाइराइट CuFeSO2. तो ये सारे सल्फाइड फॉर्म में भी सल्फर हमको मिल रहा है कंबाइंड फॉर्म में, एंड सल्फेट फॉर्म में इस तरह के सॉल्ट के फॉर्म में मिल रहे हैं. तो ये इसकी कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज हैं ग्रुप 16 के एलिमेंट्स की. ओके, तो इसको थोड़ा सा आप स्नैपशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो आप. तो अभी हम इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, लाइक दिस एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस. तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप बोथ एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस इंक्रीजेस. अब ये कैसे इंक्रीज कर रहा है? तो सभी को पता होगा कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है,
कि जो भी हमारा एटम होता है उसका न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट शेल होती है वहां तक का डिस्टेंस होता है। तो सीधी सी बात है कि जैसे जैसे हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर रहा है, तो न्यूक्लियस से जो वैलेंस सेल है उसका डिस्टेंस इंक्रीज होते जाएगा, ऑब्वियसली एटमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर हम आयनिक रेडियस की बात करें तो आयनिक रेडियस में भी सेम वही होगा, क्योंकि एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है तो जो आयन बनेगा उसका भी साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप बोथ एटमिक एंड आयनिक रेडियस इंक्रीजेस। क्लियर हो रहा है? ओके, तो इसको नोट कर लो। नाउ एटमिक एंड आयनिक रेडियस के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी पे। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी हम बोले, तो आयनाइजेशन एनर्जी होती है कि किसी भी एटम के, फिर से एक बार मैं एटम का डायग्राम बना लेती हूँ, किसी भी एटम के वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो एनर्जी हम एटम को प्रोवाइड करते हैं दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी तुम लोग अगर देखो यहाँ पर, तो अगर एटम का साइज, एटम के साइज पर डिपेंड करती है, एटम का साइज अगर बड़ा है तो उसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो ऑब्वियसली कम होगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो न्यूक्लियस है वो वैलेंस सेल से काफी दूर चला गया, तो अट्रैक्शन फोर्स जो है वो वीक हो जाता है और इजीली हम इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई जो एटम है उसका साइज छोटा है और उसके इलेक्ट्रॉन को हमें बाहर निकालना है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो अट्रैक्शन फोर्स है वो काफ़ी स्ट्रांग होगा और जितना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा उतना ही ज़्यादा हमको एनर्जी उस एटम को प्रोवाइड करनी होगी और तब जाके इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। ओके, तो यहाँ देखो कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 16th ग्रुप एलिमेंट इज लेस देन 16th ग्रुप एलिमेंट। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो 16th ग्रुप की होती है वो लेस होती है इससे 15th ग्रुप एलिमेंट से। तो 15th और 16th पे अगर तुम लोग देखो यहाँ पर, तो यहाँ देखना कि ये है ग्रुप 15th और ये है 16th, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कभी भी हम लोग अगर पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो नाइट्रोजन का साइज जो है वो ऑक्सीजन से क्या होगा, बड़ा होगा, है ना, क्योंकि 15th जो है वो तुम्हारा लेफ्ट में जा रहा है और हम यहाँ राइट में जा रहे हैं, तो लेफ्ट टू राइट में इसका साइज जो है वो छोटा हो गया और इसका क्या हो गया, बड़ा। तो होना क्या चाहिए कि इसका आयनाइजेशन, जो ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो नाइट्रोजन के कंपैरिजन में क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 16th ग्रुप एलिमेंट इज लेस देन 15th ग्रुप एलिमेंट। ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि अभी मैंने तुम लोग का एक्सप्लेन किया ड्रॉ करके एटम का डायग्राम, कि जो भी एटम का साइज बड़ा होता है उसका वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस से वीकली अट्रैक्टेड होता है तो हम इजीली उसको बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इसका साइज छोटा और इसका साइज बड़ा है तो फिर ऐसा क्यों हो गया? तो अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें, तो यहाँ तुम लोगों को कॉन्फ़िगरेशन देखना होगा, स्टेबिलिटी देखनी होगी। तो यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन हम देखें तो यहाँ जा रहा है ये NS2 NP3, और जबकि हम इसका देखें कॉन्फ़िगरेशन तो ये जा रहा है NS2 NP4। तो 11th में सभी ने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो देखो कि अगर पी सबशेल में हाफ फिल्ड स्टेट आ रही है या फुल फिल्ड स्टेट आ रही है, किसी में भी, डी में भी अगर हम बात करें या एस में बात करें या पी में, किसी भी सबशेल की हाफ फिल्ड स्टेट और फुल फिल्ड स्टेट उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। यदि मैं पॉइंट, तो यहाँ पर वही चीज आ रही है कि साइज तो भले ही ऑक्सीजन का छोटा है नाइट्रोजन का बड़ा है, फिर भी आयनाइजेशन एनर्जी क्यों नाइट्रोजन की ज्यादा हो रही है ऑक्सीजन की कम? तो ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड पी सबशेल, पी सबशेल में ये कंडीशन हमको मिल रही है, दिस इज हाफ फिल्ड स्टेट। तो हाफ फिल्ड स्टेट किसी भी एटम को एक्स्ट्रा स्टेबल बनाती है, और कोई भी चीज स्टेबल है तो वो अनस्टेबल होना नहीं चाहेगी। तो अगर हम यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकालना चाहें, आउट करना चाहें, तो हमको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी होगी एटम को इन कंपैरिजन टू दिस। यहाँ पर देखो कि
ऑक्सीजन के केस में जो हमको पी मिल रहा है उसमें कुछ इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन है ये, तो ये ना तो फुलफिट है और ना ही हाफ फिट है। हाँ, अगर हम इससे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ निकाल लें तो अब ये हाफ फिट स्टेट हो गया, तो इजीली हम इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकाल सकते हैं। बस ये एक रीजन है जो कि बोर्ड में पूछ लिया जाता है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि ग्रुप 15 जिसके कि एलिमेंट का साइज ग्रुप 16 से क्या होगा बड़ा होगा, फिर भी इसकी फर्स्ट एनहाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में क्या है ज्यादा, तो उसका रीजन तुम लोगों को यही लिख देना है कि इसमें जो पी सबशेल है वो हाफ फिल्ड स्टेट में है जिसकी वजह से एटम एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी स्टेबल हो जा रहा है और कोई भी स्टेबल से अनस्टेबल नहीं होना चाहता है। हाँ, सेकेंड की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि सेकेंड इलेक्ट्रॉन जब हम बाहर निकालेंगे तो फिर सेम कंडीशन आ गई, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के लिए ही होगा कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 16 ग्रुप एलिमेंट इज लेस देन 15 ग्रुप एलिमेंट। क्लियर हो रहा है? नाउ नेक्स्ट देखो, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि अगर हम ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलेनियम एंड पोलोनियम तक जाए तो ऑक्सीजन के पास नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो नंबर ऑफ शेल ग्रेजुअली इंक्रीज करता जा रहा है और इंक्रीज करता जा रहा है। तो यहाँ पोलोनियम का केस देखो, ये है न्यूक्लियस 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है, जबकि ऑक्सीजन का केस देखो 1, 2, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना, तो कहाँ से बहुत ईजीली निकलेगा, ऑब्वियसली पोलोनियम, क्योंकि अट्रैक्शन वीक हो गया तो इलेक्ट्रॉन का निकालना ईजी हो गया। तो इसको जल्दी से आप लोग बना लें, नाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ये सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन या शेयर्ड पेयर को कोई भी एटम अगर अपने और अट्रैक्ट कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, तो यहाँ ग्रुप 16 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरह से अफेक्टेड हो रही है देखो, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि जब हम डाउन मूविंग डाउन या टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो एटम का साइज क्या हो रहा है, ग्रेजुअली इंक्रीज होते जा रहा है, और इंक्रीज होते जा रहा है तो जो उसका जो न्यूक्लियस है जो कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है वो क्या होते जा रहा है, अंदर होते जा रहा है, और उसके ऊपर जो कोर इलेक्ट्रॉन है वो एक बहुत अच्छी सी स्क्रीनिंग बनाते जाते हैं, तो वो जो स्क्रीन होती है उसकी वजह से वो अपने अट्रैक्शन फोर्स को बाहर के इलेक्ट्रॉन तक पहुँचा नहीं पाता और उसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कराएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी। तो सारा कुछ डिपेंड करता है एटम के साइज पर, जितना ज़्यादा उसका एटॉमिक साइज होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही डिक्रीज होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस पर डिपेंड करती है न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है उस पर डिपेंड करती है। तो प्रोटॉन जितना ज़्यादा एक्टिव होगा, जितना ज़्यादा वो अट्रैक्शन फोर्स इलेक्ट्रॉन तक पहुँचा पाएगा उतनी तेजी से उसको अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो टॉप टू बॉटम जाने पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ग्रेजुअली डिक्रीज कर दी जाएगी। नाउ नेक्स्ट टर्म है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की हम बात करें तो कोई भी एटम जो अपने लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के बाद बहुत ज़्यादा स्टेबल या बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है या उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है। लाइक दिस कि अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन के पास नंबर ऑफ शेल्स कितने होते हैं, 2 होते हैं, ये सेल नंबर 1 एंड नाउ ये सेल नंबर 2 है। सेल नंबर 1 में इसके पास कितने रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, एंड नाउ सेकेंड में इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 क्योंकि एटॉमिक नंबर है इसका 8। तो इसको अगर स्टेबल होना है तो कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, ओनली 2। तो ये बहुत इजीली क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन को अपने में ऐड कर लेगा, है ना।
अगर मैं बोलूं हीलियम का केस, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2 होता है ना, तो 2 होता है, तो उसके फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, और ये स्टेबल है। अगर मैं चाहूं कि भाई इसके इस सेल में जो इसका आउटर मोस्ट या फर्स्ट सेल है, ये इसका वैलेंस सेल भी है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, तो क्या ये करना चाहेगा? नो, क्योंकि कोई भी स्टेबल एटम अपने आप को अनस्टेबल नहीं बनाना चाहता। तो यहाँ इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूँ हीलियम एंड ऑक्सीजन के केस में, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हीलियम से बहुत ज्यादा होगी। क्लियर हो रहा है? तो वैसा ही यहाँ पर भी तुम लोग देख सकते हो कि अगर हम लोग बात करें ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम एंड पोलोनियम, ये तो यहाँ पर अगर हम ऑर्डर देखें तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है। क्यों डिक्रीज कर रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो एटम का न्यूक्लियस है वो काफी ज्यादा स्पिनिंग इफेक्ट की वजह से अंदर हो गया, तो उसका अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा? कम, तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये बात सही है कि मूविंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या कर दी जाएगी? डिक्रीज कर दी जाएगी। बट सल्फर हैज ग्रेटर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनथैल्पी देन ऑक्सीजन। ऐसा कैसे हो गया? जबकि ऑक्सीजन का साइज तो छोटा है ना, और सल्फर का साइज क्या है? बड़ा है। तो ऐसा कैसे हो गया कि सल्फर की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ऑक्सीजन से ज्यादा हो गई? तो इसका रीजन देखो, इसका रीजन ये है कि आने वाला जो है वो भी क्या है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, है ना। पहले से भी इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज है। तो तुम लोग को केमिस्ट्री में पता होगा कि जो सेम चार्ज होते हैं फिजिक्स में भी, कि सेम चार्ज रिपेल करते हैं एंड डिफरेंट चार्ज क्या करते हैं? दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और सल्फर के केस में एक ऑक्सीजन का एरिया क्या होगा? छोटा। क्यों होगा? क्योंकि इसका वॉल्यूम छोटा क्यों होगा? क्योंकि इसका साइज छोटा है, वॉल्यूम छोटा होगा, और छोटे से एरिया में, छोटे से वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन है वो काफी सारे हैं, तो वहां पर उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, है ना। तो इन दोनों में अगर हम देखें तो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सल्फर से क्या है? ज्यादा ज्यादा है ना। इसका रीजन क्या है कि इसके पास जो है वैकेंट डी सबशेल एब्सेंट होता है, जबकि इसके पास क्या है? वैकेंट डी सबशेल है। तो यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन देखें सल्फर के केस में और ऑक्सीजन के केस में, तो सल्फर के केस में बहुत कम हो जाता है, और इसका रीजन यही है इसके पास क्या है? वैकेंट डी सबशेल, जो कि ऑक्सीजन के पास नहीं है। तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो ऑलरेडी यहाँ पे काफी ज्यादा कंजस्टेड है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एक और इलेक्ट्रॉन भाई उस घर में आना चाहता है, तो क्या वो इजीली उसको बिना धक्का मुक्का दिए अंदर बुला लेंगे? नो, नेवर, कभी भी नहीं, जबकि सल्फर के पास ऐसा नहीं है, है ना। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के केस में इनकमिंग इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा रिपल्सिव फील करता है, जिसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाती है? लोअर हो जाती है, कम हो जाती है, किसके कंपैरिजन में? सल्फर, क्योंकि सल्फर के पास ऐसा ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ज्यादा ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास वैकेंट डी सबशेल है जिसमें 5 ऑर्बिटल्स हैं जो कि पूरे वैकेंट है। तो यहाँ पर कोई ऐसा प्रॉब्लम ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को बहुत रिपेल कर रहे हैं, क्योंकि छोटी जगह नहीं है, बड़ी जगह है, आराम से रहे, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन भी कोई रिपल्सन फील नहीं करेगा, एक्स्ट्रा रिपल्सन फील नहीं करेगा, इजीली वो उसके घर पे आ जाएगा। तो यहाँ पर ये ऑर्डर आप लोगों को याद रखना है, ये सब कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछ सकता है, ये ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सल्फर की सबसे ज्यादा एंड नाउ फॉर डिक्रीज हो रही है और ऑक्सीजन की सबसे कम। तो इसका मेन रीजन यही है, ठीक है, ड्यू टू स्मॉलर साइज फील ग्रेटर रिपल्सन देन सल्फर। ओके, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, इससे रिपल्सन बहुत ज्यादा हो जाएगा, और रिपल्सन ज्यादा होगा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा रिपेल होगा, और रिपेल होगा तो वो उसके शेल में इजीली आ नहीं पाएगा। ओके, उसको नोट कर लो। Now, melting point and boiling point.
तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसी भी एटम का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है उसके जो एटम्स होते हैं उनके अट्रैक्शन फोर्स पे। तो यहाँ पर जो भी हम जैसे ऑक्सीजन की बात कर रहे थे, गैस है, सल्फर, नॉन मेटल है, तो यहाँ पर ये सारे के सारे मॉलिक्यूल फॉर्म में होते हैं। ऑक्सीजन किस तरह से एग्जिस्ट करता है O2 के फॉर्म में, एंड सल्फर कैसे ऑक्टाटॉमिक है तो ये एग्जिस्ट करता है एसिड के फॉर्म में। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में जो जैसे टू मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में जो एक अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है वो होता है हमारा वैन डेर वाल्स फोर्स। तो इस फोर्स को ब्रेक करके अगर मैं बोलूं कि जो हमारा सॉलिड है उसको मेल्ट करना है तो उसके लिए जो एनर्जी हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे ही वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है कोई भी सॉलिड तो वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। मतलब मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है मॉलिक्यूल या एटम के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उस पर। जितना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा उतना ही ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो यहाँ पर इस केस में क्या होगा, जो हमारी ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम, यहाँ पर अगर हम टॉप टू बॉटम जाएं तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहे हैं। अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है तो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल का साइज, या मैं पहले बोलूँ कि कोई भी एलिमेंट्स ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एटम का साइज अगर इंक्रीज कर रहा है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा क्योंकि डेंसिटी इंक्रीज करेगी। बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ तो अगर हम चल रहे हैं कहाँ, ऑक्सीजन से लेकर पोलोनियम तक, तो पोलोनियम को तो मैंने यहाँ पे देखो तुम लोग देख रहे होंगे कि ऑक्सीजन से लेकर मैंने पोलोनियम तक ये बनाया हुआ है कि जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ रहा है, डेंसिटी बढ़ रही है, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है, तो उसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर भी मैंने लिखा इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, लेकिन इसे मैंने कट कर रखा है ना, तो अभी मैं इसे एक्सप्लेन करती हूँ। बट इन केस ऑफ पोलोनियम, पोलोनियम के केस में बोथ देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन दोज ऑफ टेल्यूरियम ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये रॉन्ग क्यों हो गया, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में अगर आप लोगों को पता होगा तो बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि जो भी पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, हैवियर एलिमेंट्स होते हैं, उनमें एक प्रॉपर्टी होती है इनर्ट पेयर इफेक्ट की। तो अगर इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं पता है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट जो पोलोनियम का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो टेलोरियम से क्या हो जाता है, मिस हो जाता है। तो ये करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। तो इस तरह के ऑर्डर अगर कॉम्पिटिशन में आते हैं तो यहाँ बिल्कुल ध्यान देना कि जो पोलोनियम है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही टेलोरियम से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज कर रहा है, डेंसिटी इंक्रीज कर रही है, उसके बीच का वैन डेर वाल्स फोर्स या अट्रैक्शन फोर्स भी इंक्रीज करेगा और ग्रेजुअली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में बता रही थी कि जो भी पी ब्लॉक के हैवियर एलिमेंट्स होते हैं उनमें, जैसे जैसे पोलोनियम की बात करें तो तुम लोगों ने स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ी होगी कि जो हमारा एटम का न्यूक्लियस होता है उसमें जो कोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्क्रीन करते हैं उसको, जिसकी वजह से वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन तक अपना अट्रैक्शन फोर्स पहुंचा नहीं पाता। तो जैसे मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर कि ये एस है, यहाँ पर एक पी भी एंटर कर जाता है, फिर यहाँ पर पी डी भी एंटर करता है, और अगर मैं पोलोनियम की बात करूँ तो इसका कन्फिग्रेशन अगर आप लोगों ने लिखा होगा तो इसमें एफ सबसे अलग है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे अच्छी स्क्रीनिंग जो बनाते हैं वो एस सबशेल बनाते हैं, क्योंकि इसका जो शेप होता है उसका दिक्कत होता है ना, इसमें कोई नोट्स नहीं होता है। इसके बाद जो स्क्रीन बनाता है अच्छी वो होता है पी, इसमें नोट्स होते हैं नंबर ऑफ नोट्स वन, और इसके बाद डी, एंड सबसे खराब जो स्क्रीनिंग बनाते हैं या जो न्यूक्लियस को स्क्रीन करता है वो होता है एफ। तो अगर हम एक जनरल एग्जाम्पल से समझें कि मैंने एक टॉर्च जला रखी है और इस पे एक बहुत ही मोटा सा ऐसा पत्थर का एक बोर्डी रखा हुआ है, तो वो वहाँ से अगर मैं जलाऊंगी तो यहाँ पीछे मुझे लाइट नहीं मिलेगी, है ना, क्योंकि ये इसको पूरी तरह से कवर, लाइट को क्या कर रहा है, पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट इस तरह से बैक कर दे रहा है, आगे जाने नहीं दे रहा है, तो हम लोगों को आगे कुछ भी लाइट नहीं मिलेगी। तो ये हो गया एक बिल्कुल एस की तरह, ये एस है। पी अगर मैं एक ऐसी बेडशीट लूँ जिसमें कि जो थोड़ा सा थिक तो है लेकिन उसमें भी छोटे छोटे पोर्स हैं,
तो अगर मैं टॉर्च जलाऊं तो उसमें से लाइट क्या होगी, आगे चली जाएगी। तो पी कुछ इस तरह की स्क्रीनिंग करता है। डी की अगर मैं बात करूं तो अगर पी में कोर्स 2 to 3 थे तो इसमें जस्ट डबल हो गए, 8 कोर्स हो गए। तो यहाँ 8 कोर्स हो गए तो लाइट क्या है और जाना जाएगा, है ना। अब एफ तो एक ऐसी बेडशीट है जिसमें होल ही होल है, ऐसा समझ लो, तो पूरी की पूरी लाइट चली जाएगी। तो जस्ट यहाँ पर भी ऐसा ही होगा कि न्यूक्लियस जैसे ही एफ की एंट्री होती है तो एफ जो है बिल्कुल पुअर स्क्रीनिंग बनाता है न्यूक्लियस पे, जिसकी वजह से जो प्रोटॉन होते हैं वो अपना अट्रैक्शन फोर्स आउटर मोस्ट सेल में, जो हमारा एनएस और एनपी, ये कॉन्फ़िगरेशन है हम लोगों का जनरल कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग बात करें तो एनएस टू एनपी 4 जाता है ग्रुप 16 के लिए। तो ये प्रोटॉन क्या करते हैं, पोलोनियम के एनएथ वाले एस वाले सबशेल के 2 इलेक्ट्रॉन को टाइटली हेल्ड अट्रैक्ट कर लेते हैं, टाइटली हेल्ड करते हैं। अब इसकी वजह से ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, ये इनर्ट हो जाता है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कैसा हो जाता है, इनर्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से ही इसका जो अट्रैक्शन फोर्स मतलब जो बॉन्डिंग होगी वो क्या हो जाएगी, अभी कितने थे 4 + 2 = 6, अभी कितना हो गया ये 4 हो गया, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4। तो यहाँ पर नंबर ऑफ अट्रैक्शन फोर्स जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड वो कम हो गए, कितने कम हो गए 2, बस ये रीजन है। इसके इसको ही बोलते हैं हम, इस प्रॉपर्टी को ही बोलते हैं हम इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ एफ सबशेल। ओके, तो एफ सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही पुअर स्क्रीन करते हैं, जिसकी वजह से प्रोटॉन जो है अपना अट्रैक्शन फोर्स कहां तक पहुंचा देता है, वैलेंस सेल के एस सबशेल के इलेक्ट्रॉन पेयर, और उसको टाइटली हेल्ड कर देता है। बस यही एक रीजन है कि पोलोनियम का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट टेलीडियम से क्या हो जाता है कम। ओके, उसको नोट कर लें और उसको अच्छे से दिमाग में रख लें, क्योंकि सब कंपटीशन में पूछा जाता है ये ऑर्डर, एंड बोर्ड लेवल में भी ये पूछता है। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए। एक एस से कहां हो गया डी,
तो अभी हमारे पास टोटल जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो गए हैं, आप लोग देख सकते हैं टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन 6, तो ये अपनी कोवेलेंसी को 6 तक इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गई इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आप लोगों को पढ़ाऊंगी। ये था हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ पिंक ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 16। ओके, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।